सकती हूँ। उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। उमर अब्दुल्ला जी, राजा जी, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। और मेरी आशा है कि यह राशि पूरे देश में फैलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और न्यूज क्लिक की टीम की तरफ से आपका स्वागत है। इस समय मैं खड़ी हूँ कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और यहाँ पर शेर ए कश्मीर स्टेडियम में। भारत जोड़ो यात्रा अपने ऐतिहासिक मुकाम को पूरा कर चुकी और इसे कश्मीरी प्यार से कहते हैं, ये जो बर्फबारी है ये नेमत है जो बरस रही है। और ख़ास तौर से कई सालों से कश्मीर इस बारिश का, इस बर्फबारी का इंतज़ार कर रहा था। और जिस तरह से प्रेम की और मोहब्बत की बारिश हुई है पूरी भारत जोड़ो यात्रा में, उसने एक मिसाल कायम की है। आगे क्या राह होगी यह अलग बात है कि किस तरह से जो 2024 का चुनाव है उसमें इसका असर पड़ेगा, लेकिन कम से कम एक बात जो दिखाई दे रही है वह बहुत साफ है कि इस भारत जोड़ो यात्रा ने अपने आप में जो सवाल पेश किए हैं, जो एक वैकल्पिक राजनीति की बात की है, जो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की है, वह उसकी गूंज भारतीय राजनीति में बहुत लंबे समय तक रहेगी। और कश्मीर की मानिए, कश्मीरियों की मानिए, तो इस कॉल की, इस आह्वान की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और शायद यह बहुत ख़ास है कि यह यात्रा यहाँ ख़त्म हो रही है। भारी बर्फबारी के बीच लोगों में उत्साह है। क्या खास लगता है, आपने सोचा था कि श्रीनगर तक पहुँच पाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उम्मीद थी, पूरी राहुल जी पर उम्मीद थी, राहुल जी की पूरी टीम पर उम्मीद थी, पूरी कांग्रेस पार्टी की उम्मीद थी कि मैं आऊँगा और पूरी पार्टी आएगी और राहुल जी भी ये भी आने वाले हैं और यहाँ पर उन्होंने जो वादा किया था लोगों से, देश की जनता से, वो पूरा करेंगे। उन्होंने जो जो वादा किया है वो पूरा किया है और पूरा करेंगे। अच्छा, खास बात क्या लगी आपको भारत जोड़ो यात्रा में, क्या सीखा आपने? इसमें ये एकता है कि भारत जोड़ो यात्रा ये सिर्फ किसान की दबी हुई आवाज़, जिन्होंने जो अभी की जो सरकार है जो नहीं सुनने को तैयार है, बेरोजगारी की और जो बॉर्डर पे जो हलचल चल रही है उसकी बातें हो रही है और सिर्फ मुद्दे की बात है। आपको क्या लगता है कि श्रीनगर को में जिस तरह से बर्फबारी है और जिस तरह से ये आज रैली हो रही है, इसका मैसेज बाकी आपके, आप नौजवान हैं, नौजवानों में सबसे ज़्यादा भाजपा का काम है, वहाँ कुछ चेंज हो पाएगा? बहुत बिल्कुल बिल्कुल, उनका उनका माइंड बिल्कुल चेंज होगा और वो जो सच का जो दिखाने वाला है वही उसी पर विश्वास करेंगे, क्योंकि अंधभक्ति पर जो है, जो अंधकार जो दिखाया जा रहा है उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। जी अब मैं, जी हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है, लगता नहीं, मुझे उम्मीद है बिल्कुल वो भी इस बात को अपनाएंगे और मानेंगे। ग्राउंड लेवल पे जो राहुल गांधी उतरे हैं ना, तो अभी सच में उनको अभी पता चला है कि लोगों के दिलों में क्या है, कांग्रेस के प्रति कितना प्यार है, ये उनको भी समझ में आया। और उनको, लोगों को क्या चाहिए वो उनको भी समझ में आ गया अभी। और अभी वो जरूर कांग्रेस पक्ष आगे आएगा आएगा। भारत जोड़ो यात्रा से जो डर का माहौल था देश में वो जा रहा है, कई सारे लोग प्रेरित हो गए हैं, बाहर ऊपर के आ रहे हैं, बॉलीवुड वाले लोग बोल रहे हैं, अलग अलग सेक्टर के हैं, जैसे सिविल सोसाइटी सेक्टर है वो लोग बोल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस है देश भर के वो जुड़ रहे हैं, अब वो बाहर आके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग अब देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा चेंज हो रहा है भारत यात्रा से। और कश्मीर में 100 लोग आना, मतलब बाहर 100 लोग इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ 2-3 हज़ार लोग आए हैं और कल परसों पांपोर और पुलवामा में 25 हज़ार लोग आए थे, तो आप समझ सकते हैं पूरा कश्मीर एक तरह से भारत जोड़ो को सपोर्ट कर रहा है। देखिये, कन्याकुमारी से चल रहा हूँ और जिस तरह आज का यह मौसम इस बात का सबूत है कि देश में मोहब्बत को चाहने वालों की संख्या ज्यादा है। पिछले समयों में हम लोगों ने बारिश को भी झेला, धूप को भी झेला, बर्फबारी को भी झेल रहे इस घाटी में, लेकिन हमारे इरादे कहीं कमजोर नहीं हुए। निश्चित तौर से जिस तरह देश में अराजकता है, भय का माहौल है, भूख,
किसान नौजवान गांव गरीब पूरी तरह परेशान है। भूकंप जब आता है ना तो पूरी धरती पे झटका लगती है और ये भूकंप है यात्रा, ये क्रांति की शुरुआत है और ये क्रांति एक जोश जुनून के साथ त्याग समर्पण के साथ एक बड़े बदलाव को जन्म देगी। 2024 में सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा है वहां से अयोध्या मंदिर और उस पे बड़ी पैमाने पर राजनीति, उसको कैसे काटेंगे आप? देखिए अयोध्या की जो बात आप कर रही हैं, अयोध्या में कितना बड़ा जमीन के नाम पर घोटाला हुआ श्री राम न्याय ट्रस्ट के द्वारा, उनके जो अध्यक्ष हैं वहां के मेयर है उनके द्वारा, तमाम मंत्री विधायकों के जो जमीनों का घोटाला किया है, निश्चित तौर से वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों के भावनाओं के साथ खेलने का काम करती है। और जहां देश में किसान जवान और नौजवान तीनों परेशान है, किसान अपने फसलों के दाम को लेकर परेशान है, आज आत्महत्या करने पर भी विवश है, छोटे बड़े उद्यमी आज आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास उनके व्यवसाय का कोई साधन नहीं बचा, जीएसटी ने उन्हें मार डाला। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी मुश्किल संगठन है, संगठन ना होने की वजह से आपको लगता है कि दिक्कत होती है? भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फायदा होगा संगठन बिल्डिंग में? देखिये संगठन कैसे बनती है, संगठन का यही तो एक सबसे बड़ा स्वरूप है कि जब हम गांव गांव गली गली लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी बुनियादी सवालों को उठाते हैं, उनसे संबद्ध करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तब वो लगातार नए लोग हमारे साथ जुड़ने का काम करते हैं। और आप देख सकती हैं कि जिस तरह करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, आज हर एक नौजवान कांग्रेस के साथ खड़ा होकर तैयार है। कितना लगता है कि 2024 के लिए आप तैयार हो पाए? आपने यात्रा देखी होगी जी। बड़े बुजुर्ग नौजवान महिलाएं बड़े पैमाने पर, वो डलवाना एक अलग है ना। देखिए यही तो खेती करने वाला किसान जब खेत में समय से पानी देता है, समय से खाद देता है और समय से उसकी रखवाली करता है तो निश्चित तौर से फसल लहलाती है। उसी तरह यह राजनीति की खेती है। हम इस राजनीति की खेती में अगर लोगों के बीच में है, लोगों की बात कर रहे हैं, इतने ठंड के ठुठरन मौसम में, इतने ज्यादा बर्फबारी में भी अगर हमारा इरादा मजबूत है तो यही तो क्रांति है, यही तो बदलाव है, यही तो जुड़ाव है, यही तो झुकाव है, यही तो आपस का मेल जोल है और यही तो क्रांति का द्योतक है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस यात्रा से जो चेंज आने वाला है, जो वर्तमान भाजपा सरकार और उनके सहयोगी दलों के द्वारा जो धार्मिक ध्रुवीकरण किया था, तो देश के अंदर राहुल जी ने धार्मिक सद्भावना और सांस्कृतिक भाईचारा जो है वो लाया है और कश्मीर के अंदर देखने को आया है कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत जो है वो बहाल हुई है। इतनी बर्फ हो रही है, आप सब लोग भीग रहे हैं तो डर नहीं लग रहा है? डर नहीं, हमें बस डर बीजेपी वालों से लग रहा है। राहुल गांधी के आने के लिए हम यहाँ पे भीग रहे हैं। डर अगर है तो वो भाजपा की डर है। हमें मैं यहाँ कश्मीर से, मैं बकरा से आई हूँ तो राहुल जी के लिए सारे लोग इनके लिए आए हैं, उनके कदम शुभ कदम यहाँ कश्मीर में पड़े हैं। सारे खुशियाँ खुशियाँ हर तरफ है, चारों तरफ खुशियाँ। आप आखिरी बार इस तरह की रैली में कब आई थी? पहले अब तो पहली दफा आए हैं आज, पर अब इसमें ये रहमत खुदा की तरफ से रहमत है, रहमत लिया है हमें बार, ये राहुल जी के लिए रहमत है, उसके शुभ कदम पड़े हैं हमारे बीच कश्मीर। हमारी उम्मीद है राहुल जी एक जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हमें बहुत उम्मीदें हैं राहुल जी पे कि जो यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर हालात जो खराब हो रहे हैं, दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक उम्मीद नजर आ रही है, वो सिर्फ राहुल जी है। लेकिन कैसे टक्कर देंगे राहुल जी, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल राजनीति दूसरे ढंग से है, बुलडोजर चल रहा है, डीलिमिटेशन है, सब कुछ हो रहा है और रोक कोई है नहीं। नहीं बिल्कुल, मतलब आपका कहना सही है, यहाँ पर जो बिल्डोजर चल रहे हैं, यहाँ पर एक नफरत की राजनीति फैला रही है, उसी सिलसिले में जो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से स्टार्ट किया और वो एक प्यार और मोहब्बत का पैगाम देकर लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को देकर जा रहा है, और वो प्यार और मोहब्बत, हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल जी इस प्यार और उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतेंगे। भारत जोड़ो यात्रा ने जो इतिहास कायम किया उसमें सबसे अहम बात है कि इस समय शून्य से कम है तापमान, आसमान से बर्फ गिर रही है, हम सब पूरी तरह से भीगे हुए हैं, पैर जमे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए
सिर्फ कश्मीर के लोग ही नहीं, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग जो आए थे, उन्होंने जो समर्थन दिया, उससे एक बात तय हो गई है कि पहली बार राष्ट्रीय सियासत में एक बड़ी पहलकदमी कश्मीर की धरती से हो रही है। और आज जिस तरह से राहुल गांधी ने बहुत साफ कहा, साफ साफ शब्दों में अपने जीवन की कहानी कही, अपनी दादी को याद किया, इंदिरा गांधी को याद किया, राजीव गांधी को याद किया, और साथ ही साथ कहा कि यह दर्द कोई और नहीं समझ सकता, कश्मीरियत को समझना भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डोवाल, आरएसएस सबके लिए कितना मुश्किल है, असंभव है, यह बताया। मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था, अलाहाबाद संगम के बिल्कुल किनारे वहां पास में हमारा घर है। तो जब यहां से वो वहां गए, उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला था, गंगा में ले गए उस सोच को और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था, जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है। तो उन्होंने, मेरे परिवार ने छोटा सा काम, कोई बड़ा काम नहीं किया, जो आपने उनको सिखाया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सिखाया, लद्दाख के लोगों ने सिखाया, क्योंकि उसमें बहुत धर्म भी है, उनके पास भी वही सोच, शून्यता की सोच उधर भी है, वो उसको ले गए और उस विचारधारा को, सोच को गंगा में उन्होंने रखा। जिस तरह से कश्मीर की धरती पर भी राहुल गांधी सड़क पर चले, तमाम तरह के हथकंडों के बावजूद उसने उन्हें एक बड़े कद का नेता निश्चित तौर पर बनाया है। और अंत में जिस तरह का आह्वान हुआ है, अगर उसकी गूंज रहती है 2024 तक, तब निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत इस बर्फबारी के बीच हो गई है। और आने वाले दिनों में ये बात हमेशा याद रखी जाएगी, इसका उदाहरण दिया जाएगा कि कश्मीर से यह बिगुल बजा था कि नफरत की राजनीति खत्म करना कितना जरूरी है। शुक्रिया।